गाइस, आई एम पूर्णा एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैं एक कमीशन ड्राइंग पे वर्क कर रहा था एंड उसमें एक बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग था एंड उसका जब मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया उसको क्रिएट करने में एंड वो काफी इंटरेस्टिंग भी था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो इसलिए इसके ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया एंड मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप काफी इजिली चारकोल का यूज करके काफी क्रिएटिव से बैकग्राउंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं वो रेफरेंस इमेज दिखा देता हूँ जिसका आज मैं बैकग्राउंड ड्रॉ करने वाला हूँ। सो दिस इज द रेफरेंस इमेज एंड इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं प्लांट्स दिख रहे हैं आपको एंड काफी इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड है। सो आपको मैं आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं जो इंटरेस्टिंग से बैकग्राउंड है कैसे काफी इजीली इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। सो आज इस ट्यूटोरियल में यही रहने वाला है एंड इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ चारकोल पेंसिल्स एंड चारकोल पाउडर ओनली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो फेस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया जिसके लिए मैंने यूज किया ग्रेफाइट एंड चारकोल का, बट आज का ट्यूटोरियल इसके ऊपर नहीं है। आज का ट्यूटोरियल है बैकग्राउंड के ऊपर जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ चारकोल पाउडर एंड चारकोल पेंसिल का। तो मैंने थोड़ा सा चारकोल पाउडर ले लिया है जिसको मैं एक मेकअप ब्रश में ले रहा हूँ काफी हल्का सा एंड बैकग्राउंड की एक मैंने हल्की सी रफ आउटलाइन ड्रॉ की है। ज़्यादा कुछ डिटेल ड्रॉ करने का इसमें ट्राई नहीं किया है, जो जो मुझे शेप्स दिख रहे थे वो मैंने खाली ड्रॉ किए हैं एंड इसके ऊपर से मैं ब्रश की हेल्प से चारकोल की एक लेयर अप्लाई कर रहा हूँ जो कि एक बेस लेयर होने वाली है एंड आप देख सकते हैं मेकअप ब्रश की हेल्प से ये काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जा रहा है एंड काफ़ी स्मूथ रिजल्ट भी मिल रहा है। एंड अगर आप यही ग्रेफाइट पेंसिल से ट्राई करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इतनी डार्कनेस लाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं चारकोल प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे बैकग्राउंड काफ़ी इजीली एंड काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बेस लेयर में सभी जगह एक फर्स्ट लेयर ऑफ चारकोल अप्लाई कर लिया है। नाउ जो मैंने लीव्स बनाई थी उन्हें मैं थोड़ा सा डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूँ एक चारकोल पेंसिल की हेल्प से। तो मैं अपनी रेफरेंस इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड उसमें से देखते हुए मैं इन लीव्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ इन लीव्स के बीच में जो डार्क एरिया उसे मैं एक ब्रश की हेल्प से फिल कर रहा हूँ एंड यहाँ मैंने थोड़े छोटे साइज का पेंटिंग ब्रश लिया है एंड इसमें हाइलाइट्स के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक पेंसिल शेप्ड इरेजर का, या आप मोनो जीरो इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। इनसे काफ़ी अच्छे से हाइलाइट्स ड्रॉ हो जाती हैं एज यू कैन सी। तो आपको एक प्यारा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है हाइलाइट्स एंड शेडोज का, जिससे आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा लगेगा एंड रियलिस्टिक भी लगेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, हाइलाइट्स ड्रॉ कर रहा हूँ एंड शेडोज ऐड कर रहा हूँ उसमें एंड इन सब के लिए मैं यूज कर रहा हूँ चारकोल पाउडर का ही। एंड ये चारकोल पाउडर भी होममेड है जो मैंने घर पे खुद ही बनाया है एंड अगर आप इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो या इसका DIY देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड उसका यूज करके आप काफ़ी मनी सेव कर सकते हैं एंड घर पर ही काफ़ी अच्छा सा चारकोल पाउडर बना सकते हैं। तो सारी जो लीव्स हैं उनके नीचे मैं एक शैडो ऐड कर रहा हूँ ताकि एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो।
नाउ मैं पूरे बैकग्राउंड को सिमिलर नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस एरिया में मैं लाइट शेडिंग रखूँगा ताकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बैकग्राउंड लगे एंड ये ज़्यादा बेटर भी लगेगा। उसके लिए भी सेम मैं चारकोल पाउडर का यूज कर रहा हूँ, बट इस बार मैंने ब्रश में काफ़ी हल्का सा चारकोल पाउडर लिया है एंड मैं काफ़ी थिन लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। सो अपर एरिया में पूरी शेडोज एंड ड्राइंग बन चुकी है, तो नाउ इट्स टाइम टू ऐड फाइनल हाइलाइट्स एंड इसके लिए मैं सेम पेंसिल शेप इरेजर का यूज कर रहा हूँ एंड जितनी भी हाइलाइट्स हैं उन्हें एक बार फिर से कवर कर रहा हूँ। तो यही सिमिलर प्रोसेस जो है मैं बाकी बचे हुए पार्ट में भी करने वाला हूँ। Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see.